Hello everyone. So today we'll talk about the myths of software engineering. So software engineering mein myths yani ki false beliefs. अब ये false belief किसके होते हैं? False belief होते हैं management के, customer के या फिर सिर्फ developer के भी. इसीलिए हम यहाँ पे तीन type के myths पढ़ेंगे. पहला होगा management myth. सेकेंड होगा कस्टमर मिथ और लास्ट होगा प्रैक्टिशनर मिथ. ये तीन टाइप के मिथ हमने पढ़ने. सो मैनेजमेंट यानी कि एक जो डेवलपमेंट टीम होती है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होती है, सॉफ्टवेयर क्रिएशन में इन्वॉल्व होती है. तो मैनेजमेंट के मिथ हम पढ़ेंगे. पहला तो मैनेजमेंट को मिथ होता है कि जो डेवलपर्स हैं, इफ़ वी प्रोवाइड देम अ मैनुअल, यू नो वेट, अकॉर्डिंग टू देम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स Procedures in manual are enough for a developer. So इसका मतलब ये है कि जो भी set of rules, standards हैं, इनकी जो भी rules हैं, instructions किसी manual में दी हुई हैं कि ऐसे हमें create करना है कोई भी software project, वो काफ़ी है किसी भी डेवलपर के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए. बट ऐसा नहीं होता है. रीज़न इज़ कि अगर आप भी एक डेवलपर हो, सो यू नो कि हम यूजुअली डॉक्यूमेंटेशंस का यूज़ करते हैं जब हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे होते हैं, वेबसाइट बिल्ड कर रहे होते हैं, ना कि किसी बुक का. बिकॉज जो बुक हैं वो बहुत आउटडेट हो जाती हैं. हर दिन मार्केट में बहुत नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए फीचर्स आ रहे हैं, नए अपडेट्स आ रहे हैं. सो इट इज़ नॉट वेरी, सो जो मैनुअल्स हैं दे आर नॉट वेरी हैंडी बिकॉज अपडेशंस बहुत हैं, राइट? इसलिए वो जो मैनुअल्स हैं दे आर नॉट इनफ फॉर अ डेवलपर. ठीक है, सो इस मिथ को हमने डिबंक कर दिया है. और फैक्ट क्या होता है? द फैक्ट इज दैट दे आर आउटडेटेड एंड इनकम्प्लीट होती हैं. सो उनका यूज नहीं करता है कोई भी डेवलपर जब डेवलपमेंट कर रहा हो. ये होती है पहला. नाउ सेकंड हम बात करते हैं. सो सेकंड ये होती है मिथ दैट इफ यू आर फॉलिंग बिहाइंड ऑन शेड्यूल, यू नो, टू डिलीवर अ सॉफ्टवेयर, सो इफ वी ऐड मोर प्रोग्रामर्स टू इट, इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम. लेट्स राइट इट डाउन. सो फॉलिंग बिहाइंड ऑन शेड्यूल could be helped if more developers are added. अब सुनो, ये भी see to an extent ये हो भी सकता है, but to an extent ऐसा नहीं भी होता है. देखो, इसका मतलब ये है कि अगर हम late हो रहे हैं किसी software को deliver करने के लिए time पे, और हम और प्रोग्रामर्स बाहर से हायर कर लें या फिर अपनी ही टीम से ले लें, तो हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम और टाइम डिलीवरी को. बट ऐसा नहीं होता है. द रीज़न इज़ वेरी क्लियर. देखो, जब भी हम किसी नए प्रोग्रामर को, किसी नए डेवलपर को अपनी टीम में ऐड करते हैं, तो हमें उन्हें उसकी सारी टेक्नोलॉजी, उसकी सारी फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर की बतानी पड़ती है, राइट? उससे क्या होता है कि चीज़ें जल्दी नहीं, उल्टा और लेट हो सकती हैं. बिकॉज अब नाउ ऐसा हो सकता है कई बार कि वो जो नया डेवलपर आया है उसने सिमिलर टेक्नोलॉजी में वर्क किया हो बट सिमिलर प्रोजेक्ट में वर्क ना किया हो. बिकॉज एंडलेस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंडलेस प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं हम, राइट? एंडलेस सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हैं. और ज़रूरी नहीं है कि हर एक डेवलपर ने वैसा कोई पहले प्रोजेक्ट लिया हो. टेक्नोलॉजी कुड बी सेम बट प्रोजेक्ट कान बी सेम. सो इसलिए
और थोड़ा उस चीज़ को एनालाइज करने में, उस प्रोजेक्ट को समझने में टाइम लगता है. तो इसलिए बोल रहे हैं कि फॉलिंग बिहाइंड ऑन शेड्यूल कुड बी हेल्प इन इफ मोर डेवलपर्स आर रेडी. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो हम रीज़न लिख सकते हैं दैट दे न्यू डेवलपर्स हैव टू बी एजुकेटेड. न्यू डेवलपर्स हैव टू बी एजुकेटेड अबाउट प्रोजेक्ट which could delay it even more. Okay, और elaborate कर देना whatever I have said. So third myth क्या होता है? Third myth का ये है कि if we outsource the project to third party, work gets easier. इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता भी है, but it's not always the case. So इसमें क्या है कि अगर हमारे को किसी customer ने एक project build करने के लिए दिया, so we might think कि हम किसी थर्ड पार्टी को, किसी जैसे फ्रीलांसर्स को भी आजकल लोग दे देते हैं, कि फ्रीलांसर को दे देते हैं और जो भी स्पेसिफिकेशंस हम बता देते हैं दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू क्रिएट. सी रियल टाइम सिनेरियो में समहाउ इट वर्क्स आल्सो, बट जब बहुत बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो इट माइट फेल. बिकॉज अगर आपको अपने प्रोजेक्ट की क्लैरिटी नहीं है, आप अपने प्रोजेक्ट को खुद से नहीं कर पा रहे हो और यू आर यू नो असाइनिंग दैट वर्क टू समवन एल्स कि आप कोई दूसरा उसको बिल्ड कर दे, तो प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज इट माइट फेल, है ना. सो दैट इज़ द रीज़न कि अगर आप मैनेज और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उस प्रोजेक्ट को, सो एंड यू आर असाइनिंग इट टू अ थर्ड पार्टी, तो इट बिकम्स लाइकली कि वो जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाए. प्रोजेक्ट माइट फेल if not managed internally. ठीक है, outsourcing is not always helpful. Now next is customer myth. So जो customer होते हैं when they are asking for a developer to create their project, सो उनको भी बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि शायद सॉफ्टवेयर ऐसा बनता होगा, ऐसे बनेगा एंड एक्स वाई जेड. सो फर्स्ट मिथ इज कि वेग इंस्ट्रक्शंस, वेग इंस्ट्रक्शंस कुड मेक अ सॉफ्टवेयर. सो अगर हमें एज अ कस्टमर अगर हमें ऐसा लगता है कि हम अपने डेवलपर को बहुत ही ऊपर ऊपर का आइडिया दे देंगे तो सॉफ्टवेयर हमारा बन जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इफ़ यू टेल अ सॉफ्टवेयर डेवलपर दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट अ रेसिपी ऐप, वेर एज यू डोंट प्रोवाइड द इंट्रिकेट डिटेल्स कि एग्जैक्टली कहाँ पे कैसा चाहिए, तो सॉफ्टवेयर कांट बी बिल्ट लाइक दैट, राइट. इवन सी जब हम कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करवा रहे हों, इवन रियल लाइफ में भी जब हम अपना घर भी बनवाते हैं, सो वी मस्ट बी अवेयर कि एग्जैक्टली कहाँ पे कौन सी चीज़ आनी चाहिए. सेम इज़ द केस विथ सॉफ्टवेयर में भी, एग्जैक्टली आपकी डिमांड क्या है एज अ कस्टमर शुड बी वेरी क्लियर, यू शुड बी वेरी प्रिसाइज. और ये बहुत ही रियल एग्जाम्पल है, जब भी हम प्रोजेक्ट और इवन फ्रीलांसिंग में भी प्रोजेक्ट बनवाते हैं किसी से, यू शुड बी क्लियर अबाउट एवरीथिंग योर प्रोजेक्ट रिक्वायर्स, तब वो फेल नहीं होता, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा. इट वोंट वर्क एज पर योर रिक्वायरमेंट. दिस इज द मिथ. सो नाउ वी हैव डिबंक्ड इट कि प्रिसिशन इज रिक्वायर्ड. प्रिसिशन इज रिक्वायर्ड. आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर ऑफ इट. और क्या होते हैं मिथ कस्टमर के? सो इफ़ अ कस्टमर कम्स टू यू
सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, और वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई भी एक्स वाई जी चीज़ें चाहिए अपने वेबसाइट में फॉर एग्जांपल। और यू नो आफ्टर 10 डेज जब प्रोजेक्ट का काम बहुत ज़्यादा हद तक कंप्लीट हो चुका है, ही कम्स अप अगेन एंड ही सेज कि मुझे ये फंक्शनैलिटीज भी ऐड करवानी है। बट उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप वो दोनों चीज़ों को कंबाइन कर सको। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज। सो सॉफ्टवेयर आर फ्लेक्सिबल, मिथ है कि सॉफ्टवेयर आर फ्लेक्सिबल एंड चेंजेस कैन बी एकोमोडेटेड एट एनी टाइम। ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट पॉसिबल। रीडिजाइनिंग इज नॉट वेरी ईजी। देखो जब हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो हम एक पूरी एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं कि किस स्टेज पे क्या होगा कैसे डिज़ाइन करना है, और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि बाद में हम उन चेंजेस को ऐड कर पाएँ। सी कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत ऑब्वियस हैं कि हमें चीज़ों को अपडेट करना पड़ेगा, और ये मेंटेनेंस वाला पार्ट तो ऑफकोर्स रहता ही है। बट एकदम से ऐसा ऑपोजिट चीज़ें नहीं आ सकती कि एक रेसिपी का ऐप है एंड देन द पर्सन कम्स टू यू एंड सेज कि ओके ऐड द म्यूजिक सिस्टम इन इट, दैट डजंट मेक सेंस, राइट? तो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होती है इतनी ज़्यादा, दैट इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिशनर्स मिथ। अब इस मिथ में क्या होता है कि जो भी हमारे डेवलपर्स हैं उनका मिथ है, तो उनको ऐसा लगता है कि इफ़ वी हैव डिलीवर्ड द प्रोजेक्ट तो हमारा काम ख़त्म हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जो एज सी इफ यू आर अ न्यू यू आर अ स्टूडेंट, राइट? तो अब धीरे धीरे यू विल बी इन द डोमेन ऑफ कोडिंग, और धीरे धीरे यू विल बी डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं होगा ना दैट यू हैव डिलीवर्ड द प्रोडक्ट और अब आपका काम ख़त्म हो गया, नहीं। जैसे जैसे द यू नो यूजर विल कम टू यू एंड ही विल टेल कि आई नीड दिस अपडेशन, दिस चेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ फीचर्स ऐड करने हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको ऐड करनी पड़ेंगी, राइट? सो ये मिथ ये होता है कि वंस द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड द वर्क of developer ends, और ये गलत है। फैक्ट ये है दैट चेंजेस हो सकते हैं उसमें, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी कभी भी ला सकते हैं। मॉडिफिकेशंस आर ऑलवेज अ पार्ट, आर ऑलवेज अ पार्ट। सो उसकी वजह से कभी भी काम ख़त्म नहीं होता है। किसी नए डेवलपर को असाइन हो सकता है, बट ऑब्वियसली स्टिल Someone has to do it. काम खत्म नहीं होता। Now the second is that software testing की बात होती है। ये बहुत important fact actually कि जो software testing could be possible when program starts running. इसका मतलब ये है कि अगर किसी सॉफ्टवेयर को आपने बिल्ड कर दिया और आप ये सोचो कि जब ये फाइनली बन जाएगा तभी मैं उसकी टेस्टिंग करूँगा, ऐसा भी नहीं होता है। इवन जब आप अपने लोकल सर्वर पे कुछ बना रहे होते हो तब भी आप टेस्ट कर रहे होते हो कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। इज द फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट वर्किंग, क्या वो एक वर्किंग प्रोजेक्ट है या नहीं। सो द प्रॉब्लम विद दिस मिथ इज कि हमेशा हर स्टेज पे हम चेक कर सकते हैं, इन एवरी स्टेज टेस्टिंग कैन बी डन। ओके ना, थर्ड मिथ ये होता है कि
अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन, अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन स्लोज द प्रोसेस. इसका मतलब ये है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो हमें डॉक्यूमेंटेशन लिखनी होती है कि हर चीज़ कैसे वर्क कर रही है, कौन से फंक्शंस कैसे वर्क कर रहे हैं, हमने किस चीज़ को क्या असाइन किया है. बहुत सारी चीज़ें हम उस डॉक्यूमेंटेशन में लिखते हैं, एंड गोल क्या है उसका, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब. सो मिथ ये है कि हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हम लिख रहे हैं ये अननेसेसरी हैं, बट ऐसा नहीं होता है. द रीज़न इज़ कि जब भी कोई नया डेवलपर उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेगा या इवन यूज़र भी, तो उसको एग्जैक्टली चीज़ों की फंक्शनैलिटीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ द थिंग.